हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज हम लेके आए थोड़े बड़े लेवल की अनबॉक्सिंग आज अपने चैनल पे। तो आज का वीडियो म्यूजिक लवर लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगा वीडियो जो लोग एलईडी टीवी पे मूवी देखना पसंद करते हैं, मैच क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए आज हम लेके आए हैं साउंड बार ब्लॉकपंक की तरफ से, जो एक जर्मन ब्रांड है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट, हमारे पास काफ़ी बड़ा बॉक्स है। ये इतना बड़ा, इतनी पास से फ्रेम में आ नहीं रहा है, तो इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग। इसको मैं रख देता हूँ साइड में, इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। देखते हैं इन द बॉक्स हमें क्या क्या मिलता है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी और कैसी साउंड क्वालिटी है, क्या अपनी रेट को जस्टिफाई करता है, कितने का मैंने लिया, कितने का मुझे मिला, क्या मुझे ऑफर मिला, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए इसी करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रो। हाँ तो दोस्तों हम लेके आ गए हैं आज बड़ी वाली अनबॉक्सिंग। ये है हमारे पास ब्लॉकपंक की तरफ से साउंड बार, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये है चाकू, ये इसका बॉक्स है बड़ा सारा, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। ये लिखा हुआ है ब्लॉकपंक 2.1 वायर साउंड बार ब्लूटूथ यूएसबी ऑक्स इन और एचडीएमआई आर्क। एचडीएमआई आर्क क्या होता है इसके बारे में बताऊँ आपको। ज़्यादातर साउंड बार पे ये नहीं मिलेगा, इस तरह का इसका कुछ डिज़ाइन है। और यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा पावरफुल 120 वाट साइड, पीछे से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, सामने आता हूँ। साइड फ्रिंग सब साइड फायरिंग सबवूफर, स्पेशल साउंड ईक्यू मोड ब्लूटूथ और एलईडी डिस्प्ले। दोस्तों अब देखते हैं, उसको बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या निकलेगा। बॉक्स और बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, दम दम। दोस्तों बॉक्स के अंदर भी निकले हैं बहुत सारे बॉक्स। ये निकला है एक स्पंज का टुकड़ा, इसको फेंक देते हैं साइड में। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, और ये साइड में कुछ सब ऊपर के साइड में कवर है, ये निकाल देता हूं मैं। और ये नीचे रखा है साउंड बार। तो ये बॉक्स तो मुझे लगता है शायद पैकिंग के लिए खाली दिए हुए हैं। सबसे इनको भी खोल लेते हैं, ये एकदम खाली है मेरी पॉकेट की तरह। और दोस्तों ये वाला बॉक्स भी बिल्कुल खाली है मेरे बैंक अकाउंट की तरह। सबसे पहले सब ऊपर को बाहर निकालेंगे, और ये निकल के आता है आपके सामने, सब ऊपर आ गया निकल के बाहर। अब निकालते हैं साउंड बार को। साउंड बार का साइज काफी लंबा चौड़ा है, लगता है एकदम सराउंड साउंड मिलेगा डॉल्बी वाला इसमें। इसको भी निकाल लेते हैं बॉक्स के बाहर, निकल के आता है बाहर साउंड बार। एक साथ में कुछ एक केबल वगैरह है, ये खोल के देखें क्या क्या है इसके अंदर। ये वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल है, एक रिमोट है। इस बॉक्स को भी रखते हैं साइड में। ये साउंड बार है, बोलने से लग रहा है कि वाकई में साउंड बार ही है। बाकी तो साउंड बार के नाम पे क्या क्या मजाक बिक रहा है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई दिया था कि मार्केट में साउंड बार के नाम पे क्या क्या मजाक बेचने में लगे हुए हैं लोग। भाई साहब व्हाट अ क्वालिटी, जबरदस्त क्वालिटी निकल गई है, बहुत ही जबरदस्त इसकी फिनिश है। दोस्तों ये है इसका यूजर मैनुअल, इसमें इसके बारे में बताया हुआ है क्या क्या है इसके अंदर सुविधाएं, सुविधाएं क्या क्या मिलती है वो सारी इसमें देख लेंगे, कैसे बजाना है कैसे चलाना है। ये दिए हैं इसके वॉल हैंगर, इसको दीवार पर ऐसे फिक्स कर देना है और इसके अंदर वो लग जाएगा। उसका पीछे दिया हुआ है सॉकेट टांगने के लिए, इसको दीवार में हम टांग सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं साउंड बार का ओवरव्यू। ये इस तरह का निकल के आता है बाहर, ये साइड में दी हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी, प्लास्टिक का बना हुआ है, ऐसे ग्लॉस फिनिश है। सामने मेटल का ये है ग्रिल, इसका मेटल का है। यहाँ पे ब्लॉकपंक की ब्रांडिंग है, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन वो जब ऑन हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे एक एलईडी इसके अंदर इनबिल्ट डिस्प्ले दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में इधर कुछ भी नहीं है। और राइट साइड में एक दी हुई है ऑक्स, एक दी हुई है यूएसबी, एक लाइन इन पावर वॉल्यूम अप डाउन और सोर्स, इसके बटन ये दिए हुए हैं। और पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो पीछे यहाँ पे ये दो हैंगर दिए हुए हैं, इन दोनों को पॉइंट को जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर लगा के दीवार पे हैंग कर सकते हैं। बाकी और पीछे कुछ दिया हुआ नहीं है। ये एचडीएमआई आर्क है और ये सब वूफर का आउट पॉइंट है। ये इस तरह की लगेगी, देखने में बड़ी सुंदर है। और ये आ जाता है हमारे पास में इसका सब वूफर। सब ऊपर में कहीं भी कोई बटन नहीं, एकदम सिंपल सोपर। ये यहाँ पे बास और ये ब्रांडिंग दी हुई है, ये साइड में दिया हुआ स्पीकर, और ये है इसकी केबल जो अटैच हो जाएगी साउंड बार के साथ में।
अब मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको उसको बजा के दिखाते हैं कितनी जोर से बजेगा। तो ये हमने सेटअप अपना ऑन कर लिया, ये साउंड बार लगा दिया, सब वूफर लगा दिया, साउंड बार का पावर कॉर्ड पावर प्लग में लगा दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया पीछे जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया था वहाँ से। ये इसका रिमोट है साथ में, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी पावर ऑन करने के बाद केवल ये ब्लूटूथ का बटन प्रेस करना है और अपने फ़ोन में जिस भी डिवाइस से हम लोग कनेक्ट करने हैं वहाँ पर इसका नाम आता है ब्लोपंक SBW के नाम से, उसको क्लिक कर दो नो रिक्वायर्ड पासवर्ड और ये कनेक्ट हो जाता है। अब मैं इसको प्ले कर लेता हूँ तो और आपको इसका साउंड सुनाता हूँ मैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. आपको कैमरा जस्टिस कर पाए लेकिन नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं। This is Dolby Cinema. It's where the most advanced cinematic technology you've ever experienced begins. This is Dolby Atmos. The number of speakers around you no longer matters, because this is the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with 10-point accuracy. Whether the soundscape sets the mood of the scene. Whoa! What is this place? Whoa! Ronnie, guys, let's go! Or captures the full extent. Do you want to know my secret? Of nature's fury. Remember this? It's just the beginning of Dolby Vision. Because what you thought was black isn't. This is black. This is contrast that reveals details deeper than any image you've seen on a screen. This is luminance that means the difference between white and pure energy. Energy that is about to reveal an entire universe of color you've never experienced in the cinema. अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट रियल में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये इसका सबवूफर है, ये सामने इसका फायरिंग है और ये साइड में एक स्पीकर दिया हुआ है, ये मैंने आपको दिखा दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त की बिल्ड क्वालिटी, बहुत शानदार लगी है मेरे को। और सिनेमेटिक में आपने देख लिया होगा इसका बिल्ड क्वालिटी किस तरह का, सेरामिक है, आगे ग्रिल है, LED डिस्प्ले है और मैंने आपको जो दो साउंड सुना के दिखाए
उसके अलावा मैंने इसमें बहुत सारे साउंड चला के सुने, लेकिन कॉपीराइट की वजह से सारे मैं आपको नहीं सुना सकता वीडियो में, पर रियल में बहुत ही जबरदस्त है। और दोस्तों ये हमने लिया है 5,000 रुपये का अमेजन से भी सेल में, तो बहुत ही बढ़िया डील मिल रही है। और रियल में इसका जो एटमॉस है, डॉल्बी एटमॉस साउंड इफेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब इस साल 2020 में शायद मैंने सबसे अच्छी अनबॉक्सिंग अभी तक की ये वाली की, हालांकि ज़्यादा नहीं की वीडियो पर, ये मेरे को सबसे बढ़िया प्रोडक्ट लगा जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की है। और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका 5 से 6,000 रुपये का बजट है तो आप ये वाला ही लीजिए। और आप सोच रहे हैं नाम ब्लोपंक का, दोस्तों 1924 की कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है, जो नई बहुत सारी आ गई चाइनीज कंपनी है उसके तरह नहीं है, ये ब्लोपंक जर्मन ब्रांड है और स्पेशली स्पीकर्स में और साउंड इफेक्ट के लिए ये जाना जाता है। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप लेना चाहें इसको तो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार से बने रहिए मेरे चैनल पर, सोमवार बुधवार शुक्रवार शाम 5 बजे मैं ऐसी नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।